हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस पालक पत्ता चाट। करारे पालक के पत्ते, उसके ऊपर खट्टी मीठी दही और उसके ऊपर स्पाइसी ग्रीन चटनी, फिर इमली की चटनी और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला और सेव। लग रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वाइड बोल में पानी ले लेंगे। उसमें हम लगभग 20 से 22 फ्रेश पालक के पत्ते, जिसकी हमने डंडियां भी निकाल दी है और ये थोड़ी से छोटे हैं साइज में, इन पत्तों को हम 10 मिनट तक पानी में भिगो देंगे। दूसरी साइड पे हम एक बोल में बैटर तैयार कर लेंगे। एक कप बेसन ले लेंगे, उसी में हम 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी भी मिला लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, उसी के साथ साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें 1 छोटी चुटकी हींग की भी मिला देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी डालेंगे, साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन का इस तरह से हथेलियों के बीच में क्रश करके मिलाएंगे। ऐसा करने से अजवाइन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक मीडियम कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि बैटर बहुत ही स्मूथ और इसमें कोई गाटे भी नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब बैटर रेडी हो चुका है, 10 मिनट भी हो चुके हैं। हम पत्तों को पानी में से निकाल देंगे। अब हम इसे एक किचन टॉवल पे इस तरह से फैला देंगे। ऐसा करने से पानी टॉवल पे अब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी का पानी हम इस तरह से टॉवल को उसके ऊपर पैड ड्राई करके निकाल देंगे। जब तक पत्तों में से पूरी तरह से पानी निकलता है, हम एक साइड पे दही रेडी कर देंगे। लगभग 1.5 कप फ्रेश थिक कर्ड हम ले रहे हैं। ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक मिला रहे हैं, साथ ही 1 टीस्पून शक्कर मिला रहे हैं और नमक स्वाद अनुसार मिला के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि पूरा मिश्रण स्मूथ ना हो जाए। हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है और हमें गाढ़ी दही लेना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमारे बैटर में हम पालक के पत्तों को इस तरह से भिगो देंगे। एक एक सिंगल पालक का पत्ता हमें लेना है और इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से बैटर के साथ कोट करना है। दूसरी तरफ हमने तेल गरम करने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होता है, हम एक एक पत्ते को उसमें इस तरह से डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। हम कढ़ाई को ओवरक्राउड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े पत्ते डालेंगे और जैसे ही वो रेडी हो जाए, हम उसे निकाल देंगे और पूरी तरह से तेल ड्रेन कर देंगे। बाकी के पत्तों के साथ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऐसा करते हुए हमारे सारे पत्ते रेडी हो चुके हैं। ये पत्ते अच्छे कुरकुरे बने हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सर्व करने के लिए हम फ्राइड पालक को इस तरह से प्लेट में सजा देंगे। चाट बनाने के लिए अब हम इसके ऊपर तैयार की हुई दही डाल देंगे। आप देख सकते हैं ना, दही की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी इस तरह से डाल देंगे। इस चटनी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी फाइनली चॉप करके प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई कोथमीर भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस तरह से छिड़क देंगे। उसी के साथ साथ हम इसके ऊपर अब जीरा पाउडर भी इस तरह से छिड़क देंगे। जीरा पाउडर छिड़कने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन बूंदी डाल देंगे। ये नमकीन बूंदी आप स्टोर की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर पे बनाई हुई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही थोड़े से क्रंच के लिए हम इसके ऊपर नमकीन सेब भी डाल देंगे। अब हमारी चाट बन के रेडी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आपका भी मन हो रहा है ना इसे एंजॉय करने का, तो अब देर किस बात की, इसे झटपट से बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जिन लोगों को पालक पसंद नहीं आती, उन्हें भी ये चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।